आज विश्व ट्यूबरकुलोसिस दिवस है। मैं डॉक्टर राम रतन बनर्जी, एक वरिष्ठ चिकित्सक, एक वरिष्ठ नागरिक होने के नाते मित्रों आप सभी से अनुरोध करता हूं कि ट्यूबरकुलोसिस एक विश्व व्यापक स्वास्थ्य समस्या है। विकसित देशों में जहां औद्योगिकीकरण के साथ साथ पर्यावरण की सुरक्षा पर भी ध्यान है, वहां इसका प्रकोप बहुत कम है, किंतु विकासशील देशों में ट्यूबरकुलोसिस एक विकराल समस्या है। हमारे देश में तपेदिक के कारण प्रत्येक दिन करीब 1000 से अधिक रोगियों की मृत्यु हो जाती है और बचे हुए रोगी का जीवन बुरी तरह से प्रभावित हो जाता है। भारत सरकार विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशा निर्देश के अनुसार संशोधित राष्ट्रीय तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम तपेदिक के उपचार के लिए चला रही है, किंतु हमारे प्रिय नगरवासियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बचाव इलाज से भी बेहतर होता है, इसलिए प्रदूषण से बचें। जब भी रास्ते में निकलें, धूल या धुआं या गर्दा उड़ता हो, नाक पर कपड़ा अवश्य रख लें। धूम्रपान, मदिरापान या और किसी भी प्रकार के नशे से अपने को दूर रखें। पौष्टिक आहार लेते रहें, हरी सब्जी, ताजा फल, दूध, दही अवश्य लें। यदि खांसी 3 सप्ताह से भी ज्यादा समय से आ रही हो तो तुरंत किसी अच्छे डॉक्टर से संपर्क करें। याद रखें, ट्यूबरकुलोसिस एक संक्रामक रोग है, इससे बचकर रहें और स्वस्थ भारत का निर्माण करें। धन्यवाद।